बॉक्सर राम सिंह को कोर्ट ने 7 अप्रैल तक भेजा पुलिस रिमांड पर ड्रग्स लेने का आरोप। विजेंदर पर शिकंजे के बाद टॉप बॉक्सर्स पर लगा गिरफ्तारी का डर, बॉक्सिंग कैंप को पटियाला से शिफ्ट करने की मांग। पंजाब पुलिस विजेंदर के नाडा के टेस्ट से संतुष्ट नहीं, कहा नाखूनों का भी लेंगे सैंपल। दीपक भारद्वाज मर्डर केस में अभी तक पकड़ में नहीं आया महंत प्रतिमानंद, गिरफ्तारी से बचने के लिए हुलिया बदला। प्रतिमानंद के पकड़े जाने के बाद खुलेगा मैडम का राज, पुरुषोत्तम ने किया था किसी मैडम का जिक्र। मुंबई से सटे ठाणे में 7 मंजिला इमारत गिरने से कम 21 की मौत, 60 से ज्यादा जख्मी। मुंबई और डोंबिवली के बीच बनी थी इमारत, हादसे के वक्त दूसरी मंजिल पर बच्चे पढ़ रहे थे ट्यूशन। इसी साल फरवरी में बननी शुरू हुई थी इमारत, 1.5 महीने के अंदर ही खड़ी कर दी गई थी ये पूरी इमारत। अवैध रूप से बनाई गई थी बिल्डिंग, हादसे के वक्त इमारत में महिलाओं और बच्चों की संख्या थी ज्यादा। बिल्डिंग के मलबे से कई बच्चों को बचाया गया, प्रशासन बचाव में पूरी रात जुटा रहा। सीआईआई में राहुल का विजन इंडिया, बोले सुननी होगी देश की आवाज। उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार उद्योगपतियों से की बात, कहा कोई अकेला नहीं हो सकता भाग्य विधाता। राहुल ने इशारों में मोदी पर किया वार, नहीं चल सकती घृणा और किसी समुदाय से भेदभाव की सियासत। राहुल ने राज ठाकरे पर भी साधा निशाना, तरक्की में हर वर्ग होना चाहिए साथ, मुंबई में बिहार के लोगों के साथ ठीक नहीं हुआ। अपने विजन में बोले राहुल गांधी, मेरा पीएम बनना या शादी करना नहीं है बहस की बात, देश की खुशहाली है असली सवाल। मोदी ने इशारों में किया राहुल पर वार, कहा इंसान अनुभव से सीखता है, विकास के लिए लंबी सोच जरूरी। नीतीश कुमार ने कहा कांग्रेस नहीं कर सकी समस्याओं का हल, लेकिन राहुल को बताया स्वाभाविक और नया नेता। सीआईआई में जेटली का सरकार पर वार, 2 सप्ताह केंद्र से कमजोर हुआ पीएम, सीबीआई का गलत इस्तेमाल। उद्धव ठाकरे ने राहुल पर किया पलटवार, इतने दिनों से उनके पास थी सत्ता तो क्यों बिगड़ गया सिस्टम। सीताराम येचुरी ने कहा कि राहुल अगर हमारी नीतियों को समझते हैं सही तो लागू करने में क्यों है देरी। कर्नाटक चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक आज, मोदी ले सकते हैं बैठक में हिस्सा। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम की आज समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री, स्कीम के जरिए सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंचाया जा रहा है पैसा। राष्ट्रपति आज देंगे पद्म भूषण अवार्ड, प्रधानमंत्री भी रहेंगे मौजूद। राज्यसभा चुनाव में पैसे के लेन देन को लेकर झारखंड में 23 जगह सीबीआई के छापे, निशाने पर आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम के विधायक। समाजवादी पार्टी ने कहा राहुल के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं उम्मीदवार। ममता बनर्जी का एक और अजीबोगरीब बयान, सुदीप्तो की मौत को बताया मामूली। अन्ना हजारे को जान का खतरा, यमुनानगर में एक जनसभा में अपनी यात्रा के दौरान किया खुलासा। अन्ना बोले महाराष्ट्र के मंत्री पद्मा सिन्हा पाटिल ने उनकी हत्या की दी है सुपारी, लेकिन वो किसी जोखिम से नहीं डरते। सरकार ने चीनी नियंत्रण मुक्त करने को दी हरी झंडी, कुछ शर्तों के साथ मिलेगी बाजार को आजादी। चीनी पर सरकारी नियंत्रण हटने से सरकार पर बढ़ेगा सब्सिडी का बोझ, खाद्य मंत्री ने कहा करीब 5300 करोड़ का बढ़ेगा बोझ। संजय दत्त के लिए माफी की अपील पर बढ़ी मुश्किलें, राज्यपाल के पास माफी ना देने के लिए 25 आवेदन। राज्यपाल के पास केवल 2 लोगों ने संजय को माफी देने की अपील भेजी, गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी सारी अपील।
रॉबर्ट वाड्रा पर खुलासा करने वाले आईएएस खेमका का फिर ट्रांसफर, 6 महीने में दूसरी बार हुआ तबादला। तबादले से पहले दफ्तर में हुआ ड्रामा, खेमका ने घंटे भर तक डीएम दुग्गल को नहीं दिया बीज निगम के एमडी का चार्ज, कहा तबादले के आदेश नहीं मिले। अनशन पर बैठे केजरीवाल की हालत बिगड़ी, मिलने पहुंचे माता पिता, समर्थकों ने आज रखी है सर्वधर्म सभा। लाल बत्ती के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त, जुलाई के दूसरे हफ्ते में केंद्र और राज्य सरकारों से मांगी रिपोर्ट। टेलीकॉम कंपनी आज रेडिएशन के मुद्दे पर रखेंगी अपना पक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने रेडिएशन को लेकर उठाए हैं सवाल। भारतीय एयरटेल को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा 3 दिन में देना पड़ेगा 350 करोड़ का जुर्माना। कोर्ट ने 3G पर रोमिंग के पैकेज को किया खारिज, कई राज्यों में सेवाओं पर पड़ेगा असर। 84 दंगों के मामले में जगदीश टाइटलर पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, दोबारा केस खोलने के लिए पीड़ितों ने दाखिल किया था याचिका को। जम्मू में जवान की आंखें निकालने वाले का अब तक सुराग नहीं, पत्नी ने आंख के बदले मांगी आंख। पुलिस ने आतंकवादी घटना होने से किया इनकार, घटना के पीछे बताया आपसी रंजिश का शक। गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद ने किया दावा, 2 दिन के अंदर दोषी होंगे गिरफ्तार। कश्मीर घाटी के अनंतनाग में भीषण सड़क हादसा, 15 छात्रों की मौत, 20 घायल। छात्रों को ले जा रही थी बस, अनंतनाग और श्रीनगर में चल रहा है घायलों का इलाज। लश्करे तैयबा के आतंकी अबू जंदाल के खिलाफ एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट, मुंबई में 26/11 हमले में आरोपी है जंदाल। एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया 2011-12 में आतंक फैलाने के लिए अपनी टीम में कई लोगों की भर्तियां की। आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में एनआईए ने पेश की जांच रिपोर्ट, 8 अप्रैल से शुरू होगी बहस। 2007 में हुई थी जोशी की हत्या, एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा समेत चार को आरोपी बताया। इशरत जहां इनकाउंटर केस में सीबीआई की कार्रवाई, अहमदाबाद से निलंबित डीएसपी एनके अमीन को गिरफ्तार किया। झारखंड के गुमला में नक्सलियों ने पुलिस टीम पर किया हमला, 5 पुलिसकर्मी शहीद। नक्सलियों ने घात लगाकर किया था हमला, पुलिसकर्मियों के हथियार भी लूट ले गए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए। सीआरपीएफ और नक्सलियों में 5 घंटे चली थी मुठभेड़, नक्सलियों के पास से बंदूकें, डेटोनेटर और विस्फोटक बरामद। सीआरपीएफ के 60 जवानों ने नक्सलियों को घेरा था, कल सुबह 9 बजे शुरू हुई थी मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक सनकी आदमी ने कुल्हाड़ी से 9 लोगों को काट डाला, मरने वालों में 4 महिला, 5 बच्चे। बहेरा टोलीपारा गांव में पांडुराम नगोशिया नामक जल्लाद ने किए कारतूत, 1 दिन पहले बीवी और बच्चों को पीटा था। आरोपी का नाम पांडुराम नगेशिया, गांव वालों ने पकड़कर पीटा, पुलिस ने हिरासत में लिया। त्रिशूर में चलती ट्रेन से एक युवक को नीचे फेंका गया, युवक के दोनों हाथ कटे। महिला से छेड़खानी करने वाले युवकों का किया था विरोध, गुस्से में दोनों ने युवक को नीचे फेंका। पटना में दवा गोदाम पर छापा, 5 करोड़ की दवा बरामद, गोदाम सील। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने मारा था छापा, अवैध रूप से रखी गई थी दवाएं। सरकारी अस्पतालों में खराब दवाएं सप्लाई करके घिरी उमर अब्दुल्ला की सरकार, ड्रग्स विभाग ने जब्त की दवाएं। अस्पतालों को सप्लाई की गई नकली दवाएं, पैसों के लिए मरीजों की जान से खिलवाड़।
गाजियाबाद के लोनी में गंदा पानी पीने से बीमार हुए 60 लोग, ज्यादातर बच्चे हुए शिकार। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स डील मामले में दो लोगों को किया गिरफ्तार, 15 करोड़ कीमत का माल जब्त। इलाहाबाद में पुलिस वालों पर बलात्कार की कोशिश का आरोप, पीड़ित और उसकी मां को डंडों से पीटा। पीड़ित के मुताबिक नशे में थे सिपाही, लोगों ने घटना पर जताया गुस्सा, पुलिस बता रही है आपसी रंजिश का मामला। अलीगढ़ में एक महिला ने पति के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, दुबई ले जाकर जबरन जिस्म फरोशी का आरोप। पीड़ित के मुताबिक आरोपी पहले भी दो लड़कियों के साथ कर चुका है धोखाधड़ी, शिकायत के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। गुड़गांव में सामने आए बिजनेसमैन बाप के घिनौने करतूत, 16 साल की बेटी का बलात्कार। 3 साल से कर रहा था बेटी का बलात्कार, एक्सपोर्ट कंपनी का मालिक है बाप, लड़की ने टीचर को सुनाई आप बेटी तो सामने आई बाप की हैवानियत। घर से बाहर घुमाने के बहाने पहली बार हरिद्वार ले जाकर किया बलात्कार, दुबई ले जाकर बलात्कार करने की फिराक में था आरोपी। दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल सस्पेंड, मूक बधिर युवक की मदद न करने का आरोप। कुंदमनान के शख्स को मायापुरी में 2 लोग पीट रहे थे, युवक भागकर पुलिस बूथ पहुंचा तो कांस्टेबल्स ने भगा दिया, पिटाई से युवक की मौत। दिल्ली पुलिस ने 2 चेन स्नैचरों को धर दबोचा, 42 से ज्यादा मामलों में थी दोनों की तलाश। विक्रम और दीपक नाम के चोरों के पास से 7 चेन भी बरामद, चेन खरीदने वाला आनंद नाम का शख्स भी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बसों में लैपटॉप चुराने वाला गिरोह पकड़ा, 3 बदमाश यात्री का ध्यान भटकाकर उड़ाते थे लैपटॉप। लैपटॉप चुराकर बस के पीछे बाइक पर चल रहे गिरोह के साथी को पकड़ा देते थे लैपटॉप, गिरोह के बाकी लोगों की तलाश। दिल्ली पुलिस के हवलदार की 30,000 के गेट के पास पिटाई, चेकिंग के दौरान हुई थी झड़प, खुद को वकील बता रहा था आरोपी। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में जीता बेंगलोर, 2 रन से हारी मुंबई। आखिरी बॉल पर हुआ मैच का फैसला, 1 बॉल पर मुंबई को चाहिए थे 4 रन। बेंगलोर की ओर से गेल ने बनाए नाबाद 92 रन, चोट के बावजूद खेली आतिशी पारी। बेंगलोर ने दिया था मुंबई को 197 रनों का लक्ष्य, 154 रन पर ही मुंबई सिमट गई। गेल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, महज 58 गेंदों पर ठोके थे नाबाद 92 रन। बैंगलोर के लिए गेंदबाज विनय कुमार ने पलटा पासा, आखिरी ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर विकेट लेकर दिलाई टीम को जीत। इस जीत के साथ ही मुंबई के खिलाफ बैंगलोर ने तोड़ा हार का सिलसिला, चिन्नस्वामी स्टेडियम में मुंबई से 4 मैच हार चुका है बैंगलोर। मुंबई के लिए सचिन और रिकी पॉन्टिंग ने की पारी की शुरुआत, पहली बार दुनिया को 2 धाकड़ बल्लेबाज साथ उतरे। महज 23 रन ही बना सके सचिन, मुंबई को उनसे थी बड़ी पारी की उम्मीद। आज पुणे वॉरियर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला, हैदराबाद को मिल सकता है होम ग्राउंड का फायदा। मुंबई में मित्र महिला को किस करने के जुर्म में एक युवक 14 महीने बाद बाइज्जत बरी हुआ, पुलिस ने अश्लील हरकत के जुर्म में ठोका था केस। छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्देशकों के सामने रोजी रोटी का संकट, सैकड़ों फिल्में तैयार लेकिन नहीं मिल रहे डिस्ट्रीब्यूटर। आज रिलीज हो रही है फिल्म चश्मे बद्दूर, सिद्धार्थ और देवेंदु निभा रहे हैं अहम किरदार। जॉन इब्राहिम को शूट आउट एट वडाला से काफी उम्मीदें, 1 मई को रिलीज हो रही है फिल्म। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के जीवन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु 12 अप्रैल को होगी रिलीज। भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी विक्रम चटवाल ड्रग्स रखने के मामले में फ्लोरिडा में गिरफ्तार, अगले दिन 30 लाख की जमानत पर छूटे।
फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर उनके पास से हेरोइन और कोकीन बरामद, 2 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी। बहरीन की राजधानी मनामा में पुलिस और पब्लिक ने हिंसक झड़प, एक शख्स की मौत से गुस्साई थी भीड़। बैंकॉक के चिड़ियाघरों में जानवरों को गर्मी से बचाने का खास इंतजाम, जानवरों पर ठंडे पानी की बरसात। जापान का टोबू चिड़ियाघर सफेद बाघ के 4 शावकों से गुलजार, दुनिया में 200 से कम ही है सफेद बाघ।